कहा जाता है कि रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं और फिर बनते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनके टूटने पर काफ़ी तकलीफ होती है, और ऐसा ही कुछ रतन टाटा सन्स और शाहपुर जी पालोन जी समूह के साथ हुआ है। इस घटना की शुरुआत शाहपुर जी पालोन जी समूह ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि टाटा सन से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। यहाँ पे एक जानकारी आपको ये देते चलें कि टाटा समूह के साथ पिछले 70 साल से शाहपुर जी साथ में थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई और उसी का नतीजा है कि रिश्ता टूट गया। शाहपुर जी पालोन जी समूह के साइरस मिस्त्री के परिवार का समूह है और शाहपुर जी पालोन जी समूह ने बयान जारी कर कहा है कि हमारा और टाटा का रिश्ता 70 साल पुराना है। ये आपसे विश्वास और दोस्ती पर बना था, लेकिन अब हम अलग होना चाहते हैं, और ये बात शाहपुर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही है। कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि पिछले काफी दिनों से चली आ रही मुकदमेबाजी से आजीविका और अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है, और इसी कारण भारी दिल से मिस्त्री परिवार ये मानता है कि सभी स्टॉक होल्डर समूह के लिए शाहपुर जी पालोन जी समूह और टाटा सन्स का अलग हो जाना ही अच्छा होगा, और इसी के साथ पुराना रिश्ता टूट गया। शाहपुर जी पालोन जी समूह की योजना विभिन्न स्रोतों से 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की है, और उसे टाटा सन्स में अपने 18.37% शेयरों के एक हिस्से के एवज में कनाडा के एक निवेशक के साथ 3,750 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा सन्स की तरफ से हरीश सालवे और अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ रहे हैं, और इन दोनों धाकड़ वकीलों की दलील है कि अगर कोई शेयर बेचता है तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत सबसे पहले शेयर खरीदने का अधिकार टाटा सन्स के पास होता है। 4 साल पहले रिश्ते में आई खटास टाटा ग्रुप और शाहपुर जी पालोन जी समूह के रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर देगा, ये बात किसी को नहीं मालूम था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है, और उसी का नतीजा है कि 70 साल पुरानी दोस्ती अब टूट चुकी है।